रिएक्शन जी, ये जो है ना पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हम जो है ना गुलाम हैं, और कभी भी पब्लिक ओपिनियन को जो है ना एंटिटी दी गई आज तक, हमेशा पब्लिक के ओपिनियन को रिजेक्ट किया गया। जुल्फकार अली को भी सूरत में रिजेक्ट किया गया, कायदा से महमूद अली जिन्हें की सूरत में रिजेक्ट किया गया, सावत में फातिमा जिन्होंने और बहुत सारे मामले हैं, हम पर हमेशा किसी न किसी को मुसलत किया गया, और इसी वजह से आज हम जो है ना बैकवर्ड्स के लाते हैं। एक डेलिबरेटली पॉलिटिकल प्रेशर के नतीजे, जिसकी वजह से इमरान खान को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन को देखा जाए और लोगों की राय को देखा जाए, तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो यकीनी तौर पर इमरान खान से वापस आए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो डिफरेंट है। अब देखें ना, एक ही दिन के अंदर फैसला सुना दीजिए, एक ही दिन के अंदर नारे कर दिएगा। इससे पहले भी मतलब गाड़ियाँ खरीदी गई, कारपेट्स ली गई, रिंग्स ली गई, BMWs ली गई, सब कुछ लिया गया, वो सब लीगल है। और ये तोशाखानी घड़ी जो है वो इलीगल है, क्योंकि थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू वहाँ साहब ने खरीदी और बेची। लेकिन मकसद वही है कि आवाम की राय को दबाया।